सुनने हो आपको टेन टाइम में करना और फॉलोअप कर दो यूट्यूब चैनल में सिक्री फाइव करना सर। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं SSC के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किसी भी आने वाले कंपटीशन एग्जाम वेरी हेल्पफुल रहने वाला। चाहिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सुनने कि SSC रीजनिंग MPSC आरआरबी MPSC रिटेल SSC CHL GK एंड GS 2023। फर्स्ट क्वेश्चन फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? चार ऑप्शन आप सामने कमेंट कीजिए। नंदिनी गुप्ता, तीजन भाई, रानी रामपाल, प्रियंका चोपड़ा। तो सही ऑप्शन होगा नंदिनी गुप्ता। सही ऑप्शन होगा इसका नंदिनी गुप्ता। दूसरा हाल ही में विश्व हॉकी कप 2023 किसने जीता? विश्व हॉकी कप 2023 तो दोस्तों जर्मनी में। किस देश में जीता? जर्मनी में। अगला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन पांचवा संस्करण कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए अनंतनाग झील कहाँ स्थित है? अनंतनाग झील बताइए। अनंतनाग झील, अनंतनाग झील कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आप सामने कमेंट कीजिए। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अगला भारत की सबसे बड़ी, अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील ये दोस्तों वुलर झील। अगला हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो सही ऑप्शन होगा सी 1576 ईस्वी में। 1576 ये मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था और ये हल्दी घाटी राजस्थान में हुआ था और उदयपुर और 18 जून 1576 में हुआ था। 18 जून 1576 में। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी, दामोदर और रावी और सरयू नदी। बिहार का कहते हैं दोस्तों कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। अगर ट्विटर के सीईओ कौन है? ट्विटर के सीईओ कौन है? तो सही ऑप्शन होगा लिंडा या करीन। तीजन भाई के संबंध किससे है? तो दोस्तों पंडवानी भाई का, पंडवानी गई का। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी देश चुने को नहीं दिया करती है? चार ऑप्शन आप सामने, सीओ के लिए चुनाव पानी की दुनिया कर देती है। अगला भोपाल में गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल में गैस त्रासदी कब हुई? 1974 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस को विकास हो। भारत का प्रवेश द्वार कब हुआ? कहाँ पे? तो दोस्तों ये मुंबई में। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट तक देखते रहिए। अगला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? ये तो दोस्तों यूरी गागरिन। अंतरिक्ष यात्री था यूरी गागरिन। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कमेंट कीजिए। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति ये था नील आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन देखिए, सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये वाला आंसर किसका है, किसका नारा है? सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये है राम प्रसाद बिस्मिल का। गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? तो निशानबाज। गगन नारंग से निशानबाज। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मिथेन को मार्स गैस कहते हैं।
सीएस की रहे थे लिखे नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? कमेंट कीजिए दोस्तों, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? राजस्थान, भारत, जम्मू कश्मीर, चीन। सही ऑप्शन चीन में हुआ, कागज का आविष्कार हुआ चीन में। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कहते बंगाल का शोक दोस्तों दामोदर नदी को कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, विलय नीति किसने चलाई? तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। कबीर किसके गुरु थे? कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। त्रिपिटक किस धर्म से ग्रंथित थे? ग्रंथ है तो बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का, किस धर्म का ग्रंथ? बौद्ध धर्म का। अगला ऑप्शन देखिए, अगला चिपको आंदोलन किसने था? कौन तो इसकी चिपको आंदोलन की सुंदरला बहुत है। नर्मदा बचा आंदोलन की प्रतिनिधा कौन? तो नर्मदा के दोस्त मेघाभट्ट थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन? ए पी जे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधायुग के लेखक कौन है? अंधायुग के लेखक दोस्तों धर्मवीर भारती। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन ऑप्शन ज्योतिबा फुले। आईने अकबर के लेखक कौन? तो अबुल फजल। आईने अकबर अबुल फजल। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी रामपाल संबंध किस खेल से? रानी रामपाल संबंध किस खेल से? रानी रामपाल संबंध किस खेल से? चार ऑप्शन ऑप्शन तो रानी रामपाल संबंध हॉकी से। मिताली राज का संबंध किस खेल से? मिताली राज का है क्रिकेट। मिताली राज संबंध किस क्रिकेट से? और नीरज चोपड़ा उसमें कौन से खेला? भाला फेंक। अगला साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से? तो चार ऑप्शन ऑप्शन कुश्ती। अभिनव बिंद्रा का संबंध शूटिंग। अभिनव बिंद्रा संबंध किस खेल से? शूटिंग से। राफेल नडाल, राफेल नडाल। टेनिस से। टेनिस राफेल नडाल से, टेनिस से। देखिए देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? विश्व की, अगर विश्व की बात करें तो दोस्तों ये होगी माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माता भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर। ये विश्व की है सबसे ऊंची चोटी, और ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। दूसरा बात करें K2 एक एडवेंस्टेन है, जो भारत की दूसरी चोटी है और जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में है। तीसरा कंचनजंगा,
तो ये इसमें से 8,598 और भारत की दूसरी है और विश्व की तीसरी है, और एक सिक्किम में। धौलागिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों 8,159 मीटर ऊंचे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की बात करें तो भारत की है के2, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। थैंक यू दोस्तों।